students to the channel Sumita's chemistry class of standard 8. Students, today I will solve the answer of important question related to chapter metals and non-metals. Without wasting time, let's come to the point. Now, first multiple choice question. Please don't skip the video. In this, I will solve 10 important multiple choice questions. So now let's start. Number 1. What property of metal allows it to be drawn into wires? Conductivity, reactivity, malleability or ductility? Which one is right? Answer is ductility. Second question, what property of metal allows it to be hammered into thin sheets? Are you know student, hammered means beaten into a thin sheet. Brittleness, softness, ductility and malleability. So the answer will be malleability. Third question, if a given object breaks easily into smaller pieces, it is called, means कोई भी object बहुत easily अगर टूट जाता है तो उसे हम लोग कौन सा property से जानते हैं? हाँ, that is यहाँ पर option क्या दिया हुआ है, choice क्या, multiple choice क्या है यहाँ पर, brittle, malleable, soft, hard. तो which one is the correct answer? Brittle. Number 4, which of the following is not usually a property of a metal? There is a 4 option, यहाँ पर 4 option दिया हुआ है, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा metal का property नहीं है. Brittleness, brittleness means आप लोगों को पता है कि ये soft होता है, जो easily break कर जाता है. Conductor, shiny, malleable. तो मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है मेटल में, जो क्योंकि मेटल सॉलिड होता है तो वो तो इजीली टूटता नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर, करेक्ट आंसर, ब्रिटलनेस. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. एन एलिमेंट दैट हैज हाई डेंसिटी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इज सॉलिड इन नेचर वुड बी क्लासिफाइड एज. तो ये सारा प्रॉपर्टी कौन से एलिमेंट्स में होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाई डेंसिटी, सॉलिड इन नेचर. तो ये सारा कुछ किस एलिमेंट्स के कौन से, वी नो दैट द एलिमेंट्स क्लासिफाइड इनटू टू, तो दैट इज मेटल, नॉन मेटल. तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, मेटल, नॉन मेटल, मेटामॉर्फिक अलॉय. So, which one is the correct answer? Metal. Question number 6. The dull green coating on copper vessels is caused by exposure to air, rusting of copper, exposure to water. So, which one is the answer? Answer is rusting of copper. मीन्स कॉपर वेसल्स के ऊपर में किस कारण से, कॉपर के ऊपर में जो लेयर बैठ जाता है, ग्रीन कलर का जो कोटिंग आ जाता है, वो किस किस रीजन से? तो वो रीजन क्या है? रस्टिंग ऑफ कॉपर. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड मेटल? एल्यूमिनियम, मर्करी, कॉपर, जिंक. तो कौन सा मेटल हम लोग को मेटल लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है इन्हें एट द रूम टेम्परेचर? तो वो हो गया मर्करी. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड इन नेचर? नॉन मेटल में कौन सा नॉन मेटल जो इन नेचर लिक्विड फॉर्म में मिलता है? तो आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर. क्योंकि नॉन मेटल
जनरली सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन जो एक्सेप्शन है वो कौन क्या है? ब्रोमीन. सो द राइट आंसर इज ब्रोमीन. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन फिलिंग्स आर एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हियर इज फोर ऑप्शन. सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस नंबर फर्स्ट, सेकेंड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, क्लोरीन गैस इज इवॉल्व. यहाँ कहा जा रहा है कि जब आयरन फिलिंग्स, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe होता है. तो ये आयरन फिलिंग्स जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट्स फॉर्मूला इज HCl. तो क्या फॉर्म करता है रिएक्ट आफ्टर रिएक्शन? तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. तो द राइट आंसर इज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. विच ऑफ दिस एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन नेचर इन प्योर स्टेट? लिथियम, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड. मीन्स नेटिव स्टेट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? दैट इज ऑल्सो गोल्ड. फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट, ओके, फ्री स्टेट में क्या पाया जाता है? गोल्ड. कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स. सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर फॉर्मिंग गैस, फॉर्मिंग सल्फ्यूरस एसिड. ओके, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो सल्फर क्या नॉन मेटल है, तो ये जब नॉन मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है? सल्फ्यूरस एसिड. सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, इट विल फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड. सेकेंड, डैस इज अ मेटल दैट कैचेस फायर ऑन बींग एक्सपोज टू एयर. ऐसा कौन सा मेटल है जो फायर के एयर के कॉन्टेक्ट में बहुत इजीली फायर कैच करता है, पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, वो कौन, ऐसा कौन सा मेटल है? ऐसे तो मेटल्स बोला जाएगा, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया. तो यहाँ पर एक मेटल पूछा है तो आप सोडियम या पोटासियम कुछ भी लिख सकते हो. थर्ड, एल्यूमिनियम मटेरियल्स अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, हम लोगों को तो पता है, क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, नंबर फोर, नॉन मेटल आर जनरली डैस इन नेचर, सॉलिड्स और गैसेस, दोनों ही फॉर्म में नॉन मेटल पाया जाता है. डैस डज नॉट रिएक्ट विथ कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर एंड मर्करी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट, व्हाई इज सोडियम स्टोर्ड इन कैरोसिन एंड नॉट इन वाटर? सोडियम को क्यों कैरोसिन में स्टोर्ड किया जाता है, क्यों नहीं वाटर में, वाटर में क्यों नहीं स्टोर्ड होता है? तो व्हाट इज द आंसर? सोडियम इज स्टोर्ड इन कैरोसिन एंड नॉट इन वाटर बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स. क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, दे कैन इजिली कैच फायर इवन वेन इन कॉन्टैक्ट विद एयर. वट प्रॉपर्टी मेक्स ग्रेफाइट और चारकोल सुटेबल टू बी यूज इन साइड अ पेंसिल? इट इज वेरी सॉफ्ट एंड ईजी टू वर्क विद इट एंड इट इज डार्क इन कलर, सो इट मेक्स वेरी गुड मार्क्स व्हेन इट इज रब्ड इन अ पेपर. इट इज वेरी सॉफ्ट, क्योंकि ये जो चारकोल और ग्राफाइट है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसके का और इसका कलर इतना डीप होता है, ये इजीली पेपर के ऊपर में इसका ये डार्क लाइन बनता है, बनाया जाता है या बनता है, इसके कारण से ही ग्राफाइट और चारकोल का यूज किया जाता है.
Next question. What is a solder? What property of solder makes it suitable for joining electrical wires? जो इलेक्ट्रिक वायर जब हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, जुड़ना जिसे कहते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है. ओके, सो द आंसर, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ टीन एंड लेड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट. हमने पहले ही टॉपिक चैप्टर्स में अलॉय पढ़ चुके हैं कि अलॉय क्या है. तो सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ टीन एंड लेड, ये टीन और लेड के मिक्सचर से लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो प्रॉपर्टी है लो मेल्टिंग पॉइंट है, सोल्डर बनता है. तो यही लो मेल्टिंग पॉइंट का ही जो पॉइंट, जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी मेक्स इट यूजफुल फॉर ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिक वायर्स. ओके, कैन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बी स्टोर्ड इन एन आयरन कंटेनर? क्या कॉपर सल्फेट को हम लोग आयरन कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं? द आंसर विल बी नो. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आयरन कंटेनर्स. कॉपर सल्फेट को हम लोग आयरन कंटेनर्स में स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. Because iron is more reactive than copper out of its compound and it will displace copper from its sulfate solution. जिसे हम लोग कौन सा reaction कहते हैं? Displacement reaction कहते हैं. Question number 5. Can a wire be drawn out of wood? Answer is no. A wire cannot be drawn out of wood because wood is not a metal. हाँ, हम लोग सबको पता है कि wood metal नहीं है. Thus, it does not have ductility. So, उसमें जो metals का property है, ductility, drawn into a thin wire. तो जबकि wood metal है ही नहीं, तो उसमें ये property होगा ही नहीं. तो wood drawn out नहीं कर सकता है. Okay? Aluminium foils are used to wrap food items. Give reason. Aluminium foils are used to wrap food items because aluminium metal is malleable. Therefore, it can be beaten into thin foils. Copper cannot displace zinc from its salt solution. A metal can displace a less reactive metal from its salt solution, but zinc is more reactive than copper. Therefore, copper cannot displace zinc from its salt solution. So the reaction will be copper reacts with zinc sulfate. The answer result will be जीरो, नो रिएक्शन. क्यों नहीं नो रिएक्शन? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो ये कॉपर कभी भी जिंक को रिप्लेस कर ही नहीं सकता है. क्लियर स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, वन वर्ड. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और अ सिंगल सेंटेंस. देयर आर 7 वन वर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर. नाउ लेट्स स्टार्ट. Number 1, the metal foil used for wrapping food is made up of which metal? The answer, aluminium. Second, which metal is used in thermometers? Answer, mercury. क्यों? क्योंकि mercury एक ऐसा metal है, एट द रूम टेम्परेचर वो किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है. इसीलिए हम लोग मरकरी को थर्मोमीटर में यूज करते हैं. ओके, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग? ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो हम लोग के ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा ही एसेंशियल है और नेसेसरी होते हैं?
सो सबको पता है ये आंसर, दिस इज ऑक्सीजन. नाउ द फोर्थ, व्हाट इज द अलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम नोन एज. ये तीनों का मिक्सचर से जो अलॉय बनता है उसका क्या नाम है, उस अलॉय का, स्टेनलेस स्टील. ओके, नाउ द नेक्स्ट, नेम द गैस रिलीज, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द गैस रिलीज्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड. जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस रिलीज्ड होता है, तो हाइड्रोजन गैस. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच नॉन मेटल इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर. कौन सा नॉन मेटल हम लोग वाटर में यूज करते हैं फॉर डिसइंफेक्ट, मतलब जो हम लोग को वाटर को प्यूरीफाई करता है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल हम लोग वाटर में देने से वो वाटर को क्लियर या जर्म फ्री करता है, तो दिस इज क्लोरीन. ओके, जिसे हम लोग, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोरीनेशन. एंड द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, नेम टू मेजर नॉन मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स एंड इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. सो द आंसर इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. क्वेश्चन नंबर ई, नेक्स्ट पॉइंट. नाउ वी विल सॉल्व 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन. Answer. What is metalloids? Give some examples. Elements that have properties of both metals and non-metals are called metalloids. Metalloid किसे कहते हैं? जिसमें metals and non-metals दोनों का property present रहता है. For examples, silicon, boron, arsenic, antimony and germanium. Okay? Now the next question, why are bells made of metals? Bell means, जो school में हम लोग का bells, ringing होता है. Okay, घंटी जिसे हम लोग कहते हैं. Okay, metals have sonorous property. ये तो हम लोग को पता ही है कि metals का एक property होता है, जो sonorous property होता है, जिसका नाम है सोनरस. ये प्रॉपर्टी क्या होता है कि रिंगिंग साउंड, मेटल्स का ये प्रॉपर्टी होता है कि रिंगिंग साउंड, द रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस बाय मेटल्स इज नोन एज सोनरस. सो द बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डस कॉपर आल्सो गेट रस्टेड. क्या कॉपर रस्टेड होता है? एक्सप्लेन, कैसे होता है? यस, कॉपर आल्सो गेट्स रस्टेड इफ द कॉपर इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म्स ऑन इट्स सरफेस. हाँ, कॉपर को हम लोग अगर लॉन्ग पीरियड तक मॉइस्चर एयर या खुले एयर में अगर उसको छोड़ दें या रख दें, तो हम लोगों को कुछ दिन के बाद वी विल ऑब्जर्व कि उसके ऊपर में एक ग्रीन कलर का कोटिंग या लेयर बैठ गया है उसके ऊपर में. तो वो ग्रीन कलर का कोटिंग क्या है? दिस इज आल्सो कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, वही रस्ट कहलाता है. कॉपर रस्ट उसी को ही कहते हैं हम लोग. तो व्हाट इज द रिएक्शन, व्हाट इज द इक्वेशन? कॉपर, कॉपर का सिंबल Cu होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, मींस मॉइस्चर. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म करता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuH2 प्लस CuCO3 कॉपर कार्बोनेट. ये पूरा क्या होता है, कौन से कलर का कोटिंग? ग्रीन कलर का कोटिंग और लेयर, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट्स. नाउ द लास्ट, सॉरी, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन,
सोडियम एंड पोटासियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन, गिव रीजन. सोडियम एंड पोटासियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, दे कैन इजिली कैच फायर इवन वेन इन कॉन्टेक्ट विद एयर. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर. मैग्नीशियम बर्न्स विद अ वाइट डजलिंग फ्लेम एंड अ वाइट पाउडरी मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म. ओके, मैग्नीशियम जब एयर के प्रेजेंस में बर्न होता है तो क्या फॉर्म होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम, और क्या फॉर्म करता है? वाइट डजलिंग फ्लेम. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एग्जांपल. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है? वो सब्सटेंस जिसमें बेसिक एंड एसिडिक दोनों का बिहेवियर प्रेजेंट रहता है. दोज मेटल ऑक्साइड्स, वो एक ऐसा मेटल ऑक्साइड विच शोज बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ओके, ये ऐसा मेटल ऑक्साइड्स है जिसमें बेसिक और एसिडिक दोनों का बिहेवियर एक साथ प्रेजेंट रहता है, उसे कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. जैसे कि एग्जाम्पल्स में जिंक ऑक्साइड ZnO एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल. कोरोजन क्या है? दिस प्रोसेस ऑफ मेटल रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर कॉजिंग इट टू डेट्रॉइट इज कॉल्ड कोरोजन. कोरोजन जो स्लोली एटन अप इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एयर और मॉइस्ट एयर मेटल्स कोरेड, मेटल्स को धीरे धीरे कोरेड होना एयर के प्रेजेंट में, मॉइस्चर के प्रेजेंट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोरोजन. जिसका एग्जाम्पल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ कॉपर, तो ये सारा क्या है? ये कोरोजन है. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. देयर आर 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. This is very very important marks obtaining question answers. So students, please be careful and learn. Now the question distinguishes between metals and non-metals on the basis of their physical properties. Metals are generally solid in state. Non-metals are found in all three states. Metals are luster and can be polished. Non-metals generally are not luster and cannot be polished. Third, metals are heavy. Non-metals are light in weight. Number 4, metals are hard and non-brittle. Non-metals are usually soft. Number 5, metals are good conductor of heat and electricity. Non-metals are poor conductors of heat and electricity except graphite. Number 6, metals are ductile and malleable. Non-metals are neither ductile nor malleable. And the 7, metals have high melting and boiling points. Non-metals generally have low melting and boiling points. Okay. Second question, write any 5 uses of metals and non-metals. 5 uses of metals are as follows. First, mercury metal is used for making thermometers. Silver and gold, all are metals. Metals are used for making jewelries. Which property?
ductility. Okay. Third, zinc metal is used for galvanizing iron to protect it from rusting. ये preventing corrosion को prevent करने के लिए हम लोग zinc metal का layer but I mean surface में लगा देते हैं उस object का, rusting object का, तो वो क्या हो जाता है, उसे क्या कहते हैं उस process को, galvanizing process. Okay. Number fourth, aluminium metal is used to make एरोप्लेन्स. एरोप्लेन बनाने के लिए हम लोग को एल्यूमिनियम मेटल्स यूज करते हैं. कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक केबल्स. ओके, नाउ द फाइव यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स आर एज फॉलोज. ऑक्सीजन विच इज यूज बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ब्रीदिंग. इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. Without oxygen or air, burning is not possible. Okay, this is called, the process is called combustion. Second, chlorine, which is used in the purification of water. Third, iodine, which is used for making a purple colored solution called tincture iodine, which is used as an antiseptic on cuts and wounds. कहीं पर अगर हम लोग का कट जाता है या तो इन्फेक्शन जहाँ होता है वहाँ हम लोग ये टिंचर आयोडीन का यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन कि वो जल्दी ठीक हो जाए. ओके, एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पे हम लोग किसे यूज़ करते हैं, टिंचर आयोडीन को, जो नॉन मेटल है. सल्फर, नंबर फोर, सल्फर एंड फॉस्फोरस विच आर यूज इन फायर वर्क्स. सल्फर एंड फॉस्फोरस यूज होता है किसके, फायर वर्क्स में. नंबर फाइव, सल्फर इज यूज इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. सल्फर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के लिए यूज किया जाता है. नंबर सिक्स, कार्बन विच इज यूज एज अ फ्यूल, एंड कार्बन एज अ फ्यूल यूज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ आर मेटल्स डिफरेंट फॉर्म नॉन मेटल्स इन टर्म्स ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. मेटल्स नॉन मेटल्स से बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज वो एक दूसरे से कैसे अलग होता है. मेटल्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स एंड they cannot displace hydrogen. ये हो गया एक. metals react as reducing agent by donating electrons. metals reducing agent का काम करता है. वहीं पर non metals are oxidizing agent that can gain the electron. non metal electron को gain करके oxidizing agent का काम करता है और मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करके रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है. ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स अप्लाइड टू हेल्प प्रिवेंट कोरोजन. डिस्कस एंड गिव एग्जांपल्स. आंसर, द वेरियस मेथड्स अप्लाइड टू हेल्प प्रिवेंट कोरोजन आर एज फॉलोज. नंबर वन, पेंट, ग्रीस, ऑयल can be applied on the surface of the metal. This extra layer will keep the metal away from air and moisture. हम लोग मेटल को कोरोजन होने से क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर में पेंट, ग्रीस, ऑयल का लेयर लगा सकते हैं, या लगा देने से क्या होता है, वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट से काफ़ी दूर रहता है या आता ही नहीं है, जिसके कारण हम लोग पेंट, ग्रीस, ऑयल यूज़ करते हैं एज ए प्रिवेंशन. क्वेश्चन नंबर टू, कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स प्रिवेंट्स कोरोजन. जिंक का कोटिंग, एक लेयर हम लोग आयरन ऑब्जेक्ट में लगा देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. थर्ड पॉइंट,
A layer of another metal is deposited on the surface of the metal object, being protected through a process called electroplating. मेटल का अनदर अलग मेटल का एक लेयर जब हम आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर में या रस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर में सरफेस में हम लोग अगर लगा देते हैं तो वो क्या करता है, वो भी आयरन ऑब्जेक्ट को रस्ट होने से प्रोटेक्ट करता है. तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. नंबर फोर, Anodizing the aluminium object by applying a uniform layer of aluminium oxide. Aluminium object को anodize करने के लिए हम लोग क्या use करते हैं, apply करते हैं? Aluminium oxide, Al2O3. Okay? And the last one, alloyed steel is one of the most effective. Last में क्या है, ये हम लोग alloy को भी use करते हैं for the prevention. Corrosion prevention method around combining the properties of various metal to provide added strength and resistance to the resulting product. तो alloy का भी हम लोग use करते हैं corrosion से कोई भी object को prevent करने के लिए. Okay, and the next question, the last question, question number 5. What are alloys? Give examples and their uses. Ab alloy kya hai? An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or non-metals. We will discuss homogeneous mixture in the higher class in details. Okay? So the what is the alloy? Alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or non-metals. Okay. For examples, carbon when added with iron forms steel. Okay. Carbon iron ke sath add hoke kya form karta hai? Steel jo alloy hai. Steel is used. Steel kis liye use kiya jata hai? Widely in construction of ship, bridges and vehicles. Bridge, ship, I mean jahaj aur gaadi banane mein construction karne ke liye ye steel ka use kiya jata hai. Construction of bridge, vehicles, etc. Number second, an alloy of iron, chromium and nickel is called stainless steel. आयरन क्रोमियम और निकल के मिक्सचर से जो अलॉय प्रोड्यूस होता है दिस इज स्टेनलेस स्टील एज इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन. जो कोरोजन का रेजिस्टेंस करता है, प्रिवेंट करता है. स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, कैटलरी एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ये बर्तन बनाने में जो हम लोग रसोई में यूज़ करते हैं, कैटलरी से स्पून वगैरह जो स्टूल का स्टील का होता है एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, थर्ड पॉइंट, एन अलॉय ऑफ आयरन एंड क्रोमियम फॉर्म्स क्रोम स्टील. आयरन और क्रोमियम के मिक्सचर से क्रोम स्टील अलॉय फॉर्म होता है. क्रोम स्टील because of its high tensile strength is used in making various cutting tools and excel. Okay, तो ये tools बनाने के लिए, various kinds of tools, cutting tools बनाने के लिए इस alloy का use किया जाता है. कौन सा alloy? Chrome steel का. And the last point, fourth, an alloy of tin and lead forms solder. सोल्डर इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, जिसे हम लोग सोल्डरिंग कहते हैं. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द नेक्स्ट वीडियो एंड अपडेट.